और उनके खाने की थाली के अंदर पोहे थे, तो उनको ये शक हुआ कि रात के वक्त में पोहे कौन खाता है। तो जब उनका शक बढ़ा तो उन्हें ये अंदाजा हुआ कि ये भारतीय नहीं हो सकते हैं, ये दोस्तों मैं रजी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। जी आपको बता दें कि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान से एक बार फिर से देश में हलचल मचा हुआ है। जी आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि हम पोहे से पहचान कर लेते हैं कि लोग कौन बांग्लादेशी हैं और कौन इंडियन हैं। आपको बता दें कि इसी का जवाब देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा है, और आपको बता दें कि लोगों की प्रतिक्रिया ये भी आ रही है कि देश में जब पोहे से पहचान हो जा रही है नागरिकता, तो फिर एनआरसी का रायता फैलाने की जरूरत क्या थी। आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है विजयवर्गीय साहब, उन्होंने एक बात कही है जिसके ऊपर पूरा मीडिया उसके ऊपर उछल पड़ा है, और देखिएगा कि कैसे कैसे लोग नेता बन जाते हैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इनके घर का काम चल रहा था और कोई मजदूर लोग काम कर रहे थे, तो इनका कहना है कि रात के वक्त जब मैं अपने घर गया और देखा वो मजदूर लोग थे, तो हमारी सभ्यता के हिसाब से हमारे घर में उस वक्त जो भी रहता है तो हम उसे खाना के लिए कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने वो मजदूरों को देखा और मजदूरों को देखकर मैंने कहा कि आप भी खाना चाहिए, तो वो खाना ऑलरेडी खा रहे थे और उनके खाने की थाली के अंदर पोहे थे। तो उनको ये शक हुआ कि रात के वक्त में पोहे कौन खाता है। तो जब उनका शक बढ़ा तो उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि ये भारतीय नहीं हो सकते हैं, ये बांग्लादेशी हो सकते हैं। वो बेचारे मजदूरों को काम छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उन्हें शक हुआ कि ये मजदूर जो पोहे खा रहे थे रात में, ये हिंदुस्तानी नहीं, भारतीय नहीं, ये बांग्लादेशी है। इस वजह से वो मजदूरों को छोड़कर जाना पड़ा। आप सोचिएगा इस मुल्क के हालात कैसे हो गए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बीवी अभी फिलहाल अपने मायके गई हुई है लखनऊ में। आज सुबह जब मौसी मुझसे पूछी कि आज नाश्ते में क्या बनाना है, तो मैंने सहज उससे ये कह दिया था कि आज पोहे बना दो। मुझे डर है कि कहीं विजयवर्गीय जैसे भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर वहां से गुजर रहा होता और उसने सुन लिया होता तो मुझे भी बांग्लादेशी करार दे दिया होता। तो आज ये हालात ऐसे हो गए हैं, और ऐसे हालात के अंदर इस मुल्क को मजबूत करने के लिए हमारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। इस मुल्क के संविधान को जो बदलने की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क के संविधान को जो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उसे अगर हमें मुकाबला देना है तो हम सबको एक साथ मिलकर आना होगा। जात धर्म और मजहब के नाम के ऊपर तब तक हम लोग एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, और ये देश हमारा रहेगा इंशाल्लाह।